देवाधिदेव महादेव की आराधना में 16 अंक का बहुत बड़ा महत्व है, क्योंकि बाबा के सावन के 16 सोमवार का व्रत यदि कोई कर ले तो उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। इसी बात को मानते हुए बोलबम सेवा एवं कल्याण समिति ने इस बार 8 मार्च को निकालने वाले 16वें बाबा की बारात पर विशेष इंतजाम किए हैं। इसे लेकर रविवार को बोलबम सेवा एवं कल्याण समिति की कोर कमेटी की बैठक एक निजी होटल में संपन्न हुई, जिसमें समिति के सदस्यों को विशेष जिम्मेदारियां सौंपी गई। तत्पश्चात बोलबम सेवा एवं कल्याण समिति के अध्यक्ष दया सिंह ने बताया कि इस बार शिवरात्रि पर क्या होने वाला है। एक बार फिर शिव जी की बारात निकलने वाली है। जैसे शिव जी के साथ में 16 सोमवार को जोड़ा जाता है और इस बार 16वां वर्ष है। क्या है 16वें वर्ष में खास, देखते हैं और जानते हैं, बताइए। देखिए, बाबा की महाबारात है, 16वां वर्ष है, एक बड़ी तैयारी है। कार्ड बांटने का कार्यक्रम प्रारंभ कर रहे हैं। 21,000 कार्ड लोगों तक पहुंचे, गणमान्य व्यक्ति से लेकर आम आदमी तक, चाहे रिक्शा वाला, ठेला वाला है, पान ठेला वाला है, चाहे आम आदमी भी, क्योंकि बाबा देवादेव महादेव तो सबके हैं, क्योंकि वो सभी को लेके और सभी को प्रेम की वर्षा करते हैं। और देवादेव महादेव की बारात में सब सम्मिलित भी होते हैं, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सब लोग होते हैं। तो निश्चित तौर पर एक मिनी इंडिया के साथ में ये कहीं ना कहीं आपको दिखेगा कि बाबा की महाबारात का सब हिस्सा ही बने, बल्कि झूम रहे, और छॉलीवुड भी दिखेगा और हॉलीवुड भी दिखेगा नाचते झूमते हुए एक बड़ी व्यवस्था के साथ। तो आज हम सिर्फ कोर कमेटी की बैठक थी, बैठक में जिम्मेदारी हमने दी है, जिम्मेदारी के साथ हम निर्वहन होगा। नाम का खुलासा करना चाहिए, समय आने दीजिए, आपको जानकारी दी जाएगी। और हरन महादेव बोलिए, आप बाबा की इस बारात का महा हिस्सा बनिए। बारात की लंबाई की बात करें तो चर्चा का विषय रहता है हमेशा से, इस बार क्या लंबाई देखिए। देखिए, बाबा भोलेनाथ आदि और अंत है, देवादेव महादेव आदि और अंत है, जीवन की शुरुआत और अंतिम क्षण तक बाबा ही होते, इसलिए ये लाइन में तो छोड़ दीजिए, जो बाबा के शरण में रहेगा वही बना रहेगा। क्योंकि बोलबम का नारा है, बाबा एक सहारा और बाकी सब किनारा है। तो बाबा की बात ही अलग है, क्योंकि बाबा निराले हैं, बाबा भोलेनाथ भोले हैं, जो सब कुछ दे देते हैं। ये धन, ये दौलत, ये हीरे मोती नहीं चाहिए, बाबा को प्रेम और वो प्यार चाहिए। उस भक्ति का भाव होगा और प्रसन्न होते और सबको, इसलिए बाबा की कहावत है कि धन धन भोलेनाथ कौड़ी नहीं खजाने में, तीनों लोक बांट दिए खुद रहने। बाबा आकाश में है, पाताल में है, जहां में देखो उस कण कण में शंकर है, लेकिन भक्ति का भाव है तो बाबा उसके साथ है। एक बार हरन महादेव। दोस्तों, ये थे हमारे साथ दया सिंह जी, और उन्होंने बताया है कि ये उनका 16वां वर्ष है, और जिस प्रकार बाबा के साथ में 16 सोमवार, 16 जो अंक है इसका काफ़ी जुड़ाव रहता है, तो इस बार ये 16वां वर्ष है, 16वें वर्ष में निश्चित ही कुछ विशेष होने वाला है। तो बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए एसीएन न्यूज़।